भारत निर्वाचन आयोग का बहुत ही बड़ा फैसला है और इसके लिए हम उनका बहुत शुक्रिया करती हैं कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बीएलओ के रूप में हर एक ब्लॉक में एक व्यक्ति को देंगी। निश्चित तौर पे उनको वोटिंग के लिए सेंसिटाइज करना और वोटर का वोटिंग करने के लिए वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए निर्वाचन की जो स्थितियाँ हैं उसमें किस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो उसके लिए रास्ते बनाना। बिहार में अब ट्रांसजेंडर अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए रेशमा जी हैं जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने के लिए आई थी। क्या कुछ अंदर में बातें हुई है? खबर ये है कि अब बीएलओ के पद पर ट्रांसजेंडर भी नजर आने वाले हैं। निश्चित तौर पे ये भारत निर्वाचन आयोग का बहुत ही बड़ा फैसला है और इसके लिए हम उनका बहुत शुक्रिया करती हैं कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बीएलओ के रूप में हर एक ब्लॉक में एक व्यक्ति को देंगी। तो इससे ये होगा कि जो कनेक्टिविटी है ऑफिसेज से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे और जो अपने साथ के 100% व्यक्तियों में से सिर्फ 10% व्यक्ति ही वोटर लिस्ट में हैं वो सभी लोग इस लिस्ट में आ जाएंगे, मैक्सिमम लोग आएंगे, ये मौका है। क्या मुख्य काम बीएलओ का अगर हम बात करें तो क्या होता है? निश्चित तौर पे उनको वोटिंग के लिए सेंसिटाइज करना और वोटर का वोटिंग करने के लिए वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए निर्वाचन की जो स्थितियां हैं उसमें किस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो उसके लिए रास्ते बनाना और जैसे महिलाओं साथियों के लिए पहले प्रॉब्लम्स होती थी उसके लिए बहुत सारे काम निर्वाचन आयोग ने किया है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, सेक्स वर्कर व्यक्तियों के लिए, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए और जो लोग जिनके पास वोटर आईडी नहीं हो पाती है और उनके पास घर नहीं होते ऐसे सभी साथियों के लिए। राज्य सरकार और भारत सरकार अब ट्रांसजेंडर के बारे में भी सोच रही है। निश्चित तौर पे ये संघर्ष है और ये लड़ाई है, ये बहुत ही लंबा संघर्ष है जिस पर लोगों के मौके अगर मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि आपने जो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है वो भी रेस्टोरेंट में देख पा रहे हैं कि कई ट्रांसजेंडर जो है वो अब काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और अब इस तरीके की सरकारी कामों में भी ट्रांसजेंडरों का रोल अहम है। निश्चित तौर पे ये मौके ही तो होते हैं जो गैर बराबरी को खत्म करते हैं और ये गैर बराबरी अगर खत्म होती है तो लोगों को सम्मान के भाव भी आएंगे। तो बीएलओ जो पद होता है वो ब्लॉक लेवल पर ये पद होता है और अब निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर रेशमा प्रसाद जो है वो निकली हैं और कह रही हैं कि ट्रांसजेंडरों के बारे में भी अब राज्य सरकार और भारत सरकार जो है वो सोचती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत सरकार के इस फरमान को बिहार के ट्रांसजेंडर किस तरीके से लेते हैं, चूंकि खुशी की लहर तो साफ तौर से देखने को मिल रही है, अब हर ब्लॉक में एक ट्रांसजेंडर नजर आने वाले। इस खबर पर इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से लाइव चीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। भारत निर्वाचन आयोग का बहुत ही बड़ा फैसला है और इसके लिए हम उनका बहुत शुक्रिया करती हैं कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बीएलओ के रूप में हर एक ब्लॉक में एक व्यक्ति को देंगी। निश्चित तौर पे उनको वोटिंग के लिए सेंसिटाइज करना और वोटर का वोटिंग करने के लिए वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए निर्वाचन की जो स्थितियाँ हैं उसमें किस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो उसके लिए रास्ते बनाना।